बिग बॉस OTT 3 जल्द ही जून में शुरू होने वाला है और शो में हर साल की तरह कई इंटरेस्टिंग चेहरे हिस्सा लेंगे, पर इस साल सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा इस साल के होस्ट का बदल जाना। सलमान खान अपनी वर्क कमिटमेंट के चलते इस साल OTT को होस्ट नहीं कर पाएंगे और इनकी जगह लेंगे बॉलीवुड के चहेते झक्कास एक्टर अनिल कपूर। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और शुरू करते हैं इस साल के बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना। अदनान शेख, पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार अदनान फैजल की टीम 7 का हिस्सा है और इससे पहले वो 2019 में एस ऑफ स्पेस सीजन 2 में भी नजर आए थे और अब वो रेडी हैं टू डू बिग बॉस OTT। अदनान के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो अदनान की वजह से इस साल के बिग बॉस को काफी अटेंशन मिलने वाला है। पंकित ठक्कर, पंकित अपने सीरियल्स दिल मिल गए और बहू हमारी रजनीकांत के रोल से मशहूर हैं और अब वो फुल रेडी हैं टू ज्वाइन बिग बॉस हाउस। इससे पहले भी पंकित को कई बार बिग बॉस में आने का ऑफर दिया गया था पर बात बनी नहीं, पर इस साल हम पंकित को जरूर OTT के घर में देखने वाले हैं। दिलबर आर्या, दिलबर आर्या का नाम जैसे ही बिग बॉस के लिए सामने आया है, देश भर के लोग उनके बारे में जानने के लिए बेताब हो रहे हैं। दिलबर एक बहुत ही खूबसूरत वेल नोन पंजाबी एक्ट्रेस है और साथ ही हिंदी म्यूजिक वीडियोस की स्टार भी। दिलबर ने अभी तक अपने बिग बॉस में पार्टिसिपेशन को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी है, पर वो जल्द ही अपने फैंस को अनाउंसमेंट करके सरप्राइज देने वाली है। वी जस्ट हैव टू वेट। रोहित खत्री, रोहित फिटनेस की दुनिया में सोशल मीडिया और यूट्यूब का बहुत ही बड़ा नाम है। इनके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन और यूट्यूब पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ ही वो दिल्ली में RK फिटनेस बाय रोहित खत्री के नाम से अपना जिम भी चलाते हैं और अगर ये बिग बॉस में आ जाते हैं तो बाकी लड़के तो इनसे इनसिक्योर होंगे ही, पर साथ ही देश भर की जनता भी क्या पता फिटनेस को लेकर इनसे इंस्पायर हो जाए, विच इज रियली अ गुड थिंग। रियाज अली, 28 मिलियन के फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया सेंसेशन रियाज अली इंडिया के मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके यूट्यूब पर भी 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रियाज के साथ अब बस एक फाइनल डिस्कशन बचा है तो ज्वाइन द शो। रियाज को बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही बड़ी रकम का ऑफर दिया गया है। शिवांगी जोशी, मात्र 15 साल की उम्र से एक्टिंग की दुनिया में काम कर रही शिवांगी छोटे पर्दे का बहुत ही बड़ा नाम है, इसलिए शिवांगी को बिग बॉस में लाने के लिए मेकर्स ने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफर किया है, जिसे मना करना शिवांगी के लिए थोड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि वो इस साल की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट भी हो। शिवांगी ने सीरियल ही रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में अपनी पहचान बना ली थी और हमने इनको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी देखा था। लवकेश कटारिया, लास्ट ईयर के OTT के विनर रहे एल्विस यादव की वजह से आज लवकेश, जो खुद एक पॉपुलर यूट्यूबर है, को पूरी दुनिया जानती है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त तो हैं ही, पर साथ ही एल्विस जब बिग बॉस पे थे तब लवकेश ने ही एल्विस का सारा मार्केटिंग हैंडल किया था और अब इनको भी मिल गया है बिग बॉस में आने का ऑफर। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है पर ऑलमोस्ट इन्होंने हाँ कर दी है। सदाकत खान, जब लवकेश ही एल्विस की वजह से फेमस नहीं हुए, लास्ट सीजन के बिग बॉस के विनर रहे मुनावर फारूकी के बेस्ट फ्रेंड और कंटेंट क्रिएटर सदाकत खान को भी पॉपुलर होने में मुनावर का बहुत ही बड़ा हाथ है और इसी पॉपुलैरिटी के चलते सदाकत को बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच किया गया है और रिपोर्ट्स की माने तो सदाकत ने हाँ भी कर दी है। आपको बता दूं कि सदाकत खुद भी पेशे से कंटेंट क्रिएटर हैं और इनके इंस्टाग्राम पर अभी ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स हैं। शफक नाज, बिग बॉस OTT 2 फेम फलक नाज और एक्टर शिजान खान की बहन शफक नाज को भी बिग बॉस OTT के लिए ऑफर दिया गया है। शफक खुद एक छोटे पर्दे की एक्ट्रेस है जो ऑलमोस्ट 13 साल से एक्टिंग की दुनिया में काम कर रही है। शफक का अभी तक शो में आना कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही कुछ वर्क कमिटमेंट्स है, तो लेट्स सी क्या होता है। शिजान खान, सिर्फ शफक को ही नहीं उनके छोटे भाई शिजान को भी बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच किया गया है। हमने इनको पिछले साल खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में भी देखा था और तुनिशा मर्डर केस की कंट्रोवर्सी की वजह से वो काफी लाइमलाइट में रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों भाई बहन साथ में शो में आते हैं
या फिर दोनों में से कोई एक। कैरेन सुमी। कैरेन नागालैंड से बिलोंग करती हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। कैरेन अपनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस और गरीबों की मदद करने के लिए मशहूर हैं और इनको भी अप्रोच किया गया है फॉर बिग बॉस OTT 3। शहजादा दामी। छोटे पर्दे के एक्टर शहजादा, जिनको हमने सीरियल ये जादू है जिन का और छोटी सरदारनी में देखा है, अभी हाल ही में काफी सुर्खियों में आए जब उन्हें उनके पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से बीच में टर्मिनेट कर दिया गया और उसका रीजन था शहजादा का अनप्रोफेशनल बिहेवियर। लेकिन लाइमलाइट में आने की वजह से उन पर बिग बॉस के मेकर्स की नजर पड़ी और इनको भी ऑफर दिया गया है बिग बॉस OTT में आने का। प्रतीक्षा होनमुखे। एक्टर शहजादा के साथ साथ प्रतीक्षा को भी सेम सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनके भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से निकाल दिया गया था और काफी चांसेस है कि शहजादा के साथ साथ प्रतीक्षा भी हमें इस साल के बिग बॉस OTT 3 में नजर आए। सना सैयद। 1998 में आई बॉलीवुड मूवी कुछ कुछ होता है कि चाइल्ड एक्ट्रेस अंजलि अब बड़ी हो गई है और अब इनके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सना अपने करियर में 5 मूवीज और 20 से भी ज्यादा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और रियलिटी शोज झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी और नच बलिए का भी हिस्सा रह चुकी हैं और अब हम इन्हें जल्द ही बिग बॉस OTT के घर में देख सकते हैं। दलजीत कौर। छोटे पर्दे की मशहूर और एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस दलजीत भी अपने दूसरे डिवोर्स के रूमर्स की वजह से काफी सुर्खियों में है और इससे पहले हमने इन्हें बिग बॉस सीजन 13 में भी देखा था, पर वहाँ वो बड़े गुमसुम रहती थी इसलिए बहुत ही जल्दी शो से बाहर हो गई। पर इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है इंसान में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने दलजीत को एक और मौका देना चाहा टू प्रूव हरसेल्फ और दलजीत को बिग बॉस OTT का ऑफर दिया गया है, बट स्टिल वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं इस साल के आने वाले कपल के बारे में। अरियांशी शर्मा। इंदौर की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरियांशी शर्मा विद 5 मिलियन फॉलोअर्स एंड यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर भी आ सकती हैं बिग बॉस के घर में। अरियांशी के लिए ऑडियंस से ज्यादा मेकर्स एक्साइटेड हैं क्योंकि किसी भी कपल का शो में आना हमेशा TRP को गेन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, अरियांशी के बॉयफ्रेंड को भी बिग बॉस OTT 3 का ऑफर दिया गया है। तुषार सिलावत। तुषार भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है विद 5 मिलियन फॉलोअर्स और तुषार और अरियांशी लगभग 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं और हर रोज इनकी साथ में रील्स या फिर यूट्यूब वीडियोस आती ही रहती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने ही शो में आने के लिए ऑलमोस्ट हाँ कर दी है। इसकी वजह से इस साल हमें एक बना बनाया कपल देखने को मिलेगा, तो बिग बॉस फैंस के लिए हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। आपका इनमें से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन होने वाला है जिसके लिए आप शो देखेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।